अभी हम जा रहे हैं थोड़ा साइट सीइंग करने अपना नुब्रा वैली। सो नुब्रा वैली का दो चीज़ें, एक तो वो ऊपर मॉनेस्ट्री और दूसरा अपना बुद्धा। तो ये दो पहले ख़त्म कर लेंगे आज, उसके बाद जाएंगे हम सैंड ड्यून्स की तरफ। तो जिस होटल में हम रुके हैं वहाँ से जो बुद्धा का जो स्टैचू है वो बहुत ही पास में है, और यहाँ से 7-8 किलोमीटर्स होगा हुंडर। हुंडर जो है वहाँ पे है आपका सैंड ड्यून्स और फिर आपका कैमल राइड एंड ऑल। एंट्री टिकट्स, कितना सर टिकट का? कितना लोगे? दो लोग है। दो लोग कहाँ से आया? हम लोग वेस्ट बंगाल। थर्टी सो दैट्स लॉर्ड बुद्धा का स्टैच्यू। अभी आप जो मेरे पीछे लॉर्ड बुद्धा देख रहे हो वो है मैत्रेय बुद्धा जो कि दिस्कित में है, और ये जो है वो 108 फीट लंबा है, और इसको बनाते वक्त कहा जाता है कि 8 केजी सोना भी यूज़ किया गया है इसको बनाने में। बाकी यहाँ से जो है व्यू कुछ ऐसा दिखता है। जो स्टैच्यू है, स्टैच्यू के सामने है हमारा दिस्कित गुम्पा जो कि एंट्रेंस सेम है, बट अगर आप आते हो एंट्रेंस के भीतर फिर दो रास्ते छूटते हैं। सो एक आता है स्टैच्यू की तरफ और दूसरा आता है गुम्पा की तरफ। तो मैत्रेय बुद्धा का स्टैच्यू पे बस इतना ही, अभी हम चलते हैं दिस्कित गुम्पा पे। अभी पता चला है कि ये जो मॉनेस्ट्री है पहले ये यहाँ नहीं था, पर जो मेन मॉनेस्ट्री था वो मैत्री बुद्धा के नीचे, जो अभी मैत्री बुद्धा जिसके ऊपर बनाया गया है वहाँ था ये गुम्पा, और ये जो था वो हमारे लद्दाख की राजा का घर हुआ करता था, पैलेस हुआ करता था। और वो जो ऊपर में टॉप में आप देख रहे हो ऊपर में, वो है आपका किंग का रूम था, बट अभी वो 700 साल पुराना है। ये 700 साल पुरानी बात है, तो 700 साल पहले राजा का रूम हुआ करता था, बट उसके बाद फिर उसका जो देखभाल नहीं हुआ है तो इसलिए ठीक से केयर नहीं होने के कारण थोड़ा
क्रैक वैक आ गया है बोल रहे, और उसकी वजह से वहाँ पे जाना मना है। बाकी ये जो है, ये पोर्शन जो है वो 30 ईयर्स हुआ है अभी तक बनाए हुए। और अभी जब राजा का जो पीढ़ी ख़त्म हुआ जब, तो उन्होंने इस पैलेस को दान देके इसको मोनेस्ट्री बना दिया है। और वो जो 2012 या 13 में बना है अपना मैत्री बुद्धा का स्टैच्यू। बाकी ये जो मोनेस्ट्री है ये बहुत ही कम लोग आते हैं, सिंस मेन अट्रैक्शन जो है वो सब मैत्री बुद्धा पे ही लोग सबसे ज़्यादा क्राउडेड होता है, तो यहाँ कोई आते नहीं है, बहुत ही कम लोग आते हैं, जिसके वजह से जो सोर्स ऑफ इनकम बोल सकते हो या फिर जो मेंटेनेंस खर्च है वो उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो जो लामा है वो बता रहे थे कि जो गांव है उनसे ही, गांव के लोग से ही जो उठता है उससे ये मॉनेस्ट्री चलता है। एंड इफ़ यू कम हियर दे सर्व यू अ वेरी 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 डिलीशियस बटर टी, जो कि आपको पक्का टेस्ट करना चाहिए। हमने अभी ट्राई किया और सुपर बटर टी था। बाकी आज के यहाँ पे ख़त्म, अभी चलेंगे हमारे हुंडी। अभी हम करेंगे डिनर करके आज हम करेंगे रेस्ट। आज के लिए ब्लॉग यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में।